हेलो सर, नमस्कार। ये देखिए, आपका वारंटी कार्ड है। ये एवी केबल है, 32 GB पेन ड्राइव है। इसमें मैंने जो आपने मूव वीडियोस बोले थे कुछ डाल दिए, प्रोजेक्टर पे लगा के इसी पे ही डेमो दे दूंगा आपको। ओके। और ये रिमोट है, एक वायरलेस माउस है, दो रेड एंड ब्लू 3D ग्लास हैं, और ये आपका पावर केबल है। ओके। तो ये टोटल एसोसरीज है प्रोजेक्टर के साथ में। ये वायरलेस माउस है। ओके। बाकी प्रोजेक्टर आपका ये रखा हुआ पूरा फुल फ्रेश कंडीशन में भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये फ्रंट साइड से देख लीजिए, लेंस भी दिखा देता हूँ आपको, लेंस भी एकदम क्लियर कट है। ओके। और जो कि है आपको बैक साइड से भी, यहाँ दिखा देता हूँ, बैक साइड भी बिल्कुल फ्रेश है। और ये आपका जो है, फिल्टर यूँ वन क्लिक पे आउट हो जाता है। ठीक है। तो इसको आपको जो आउटसाइड वाला है, कलर वाले ब्रश से क्लीन कर लेना है इसको टाइम टू टाइम, है ना। और क्लीन करने के बाद आपको पहले इसको यूँ करके ठोंक लेना थोड़ा, तो इसमें डस्ट जो होगी वो उड़ जाएगी। फिर कलर वाले ब्रश से क्लियर कर लेना है इसको, ये टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहना। ओके। तो ये प्रोजेक्टर एसोसरीज मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे। बाकी मैं ये प्रोजेक्टर आपका वहाँ ऊपर रख के चेक करवा देता हूँ एक बार। ओके। तो इसे ले चलते हैं यहाँ से उठा के, यहाँ रख देते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सेटिंग कर लूँ इसका, फिर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ओके। तो ये प्रोजेक्टर अभी मैंने यहाँ रखा है, हालांकि सेट नहीं किया है, तो इसे हम जो है ऑन करते हैं। ये प्रोजेक्टर जो है ऑन हो गया है, और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी ब्लर आ रहा है, तो इसको जो है हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है। और सेटिंग भी कर लेंगे एक बार प्रोजेक्टर ऑन हो जाए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 वाट का एक LED बल्ब मैंने ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे जो है हम इसको क्लीन कर लेंगे स्क्रीन। ठीक है, क्लीन कर लिया, लेकिन नीचे से थोड़ा अपसाइड में हो रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर, अभी हम इसका डिजिटल 4D की स्टोन देख लेते हैं एक बार, मैंने सेट तो किया है। तो यहाँ पे जो है इसको कॉर्नर टू कॉर्नर सेट कर लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि डेमो दे रहा हूँ तो स्क्रीन परफेक्ट दिखना चाहिए यहाँ। ठीक है। इस तरीके से आप इसमें डिजिटल 4D की स्टोन से सेटिंग कर सकते हैं। और आपका USB जो है मैंने लगा दिया यहाँ। ठीक है, एसोसरीज वो रखा हुआ, बट USB मैंने लगा दिया आपके प्रोजेक्टर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम चलते हैं मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद में आपको, और आप देख सकते हैं फुल डे लाइट कंडीशन है अभी, बिल्कुल मतलब डार्क नहीं है, बहुत उजाला है। मैं यहाँ पे आपका जो वीडियो वगैरह डाला है वो प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। ओके। यहाँ देखिए, वीडियो डाला है और 20 वाट का LED बल्ब भी चालू है, और यहाँ इतना उजाला भी हो रहा है। ठीक है। और क्वालिटी आप देख लीजिए प्रोजेक्टर की। दूसरा वीडियो प्ले करता हूँ, ये दूसरा वीडियो प्ले किया है। ओके। और इसमें मूवीज भी डाल दिए मैंने, आदि पुरुष मूवी लेटेस्ट आया था मेरे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया ऐसे। ठीक है। अब ये 20 वाट का LED बल्ब है, यहाँ ऑन है, और डे लाइट भी हो रहा है, इतना दरवाजे से उजाला आ रहा है अंदर। डार्क रूम करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। आप यहाँ पे जो है एक ये हॉलीवुड मूवी डाल दिया, ये भी लेटेस्ट आया हुआ था। ठीक है। सत्य प्रेम की कथा भी एक लेटेस्ट मूवी आई हुई है, तो इसे भी जो है मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये सब वीडियोस मैंने जो है इसमें डाल दिए हैं। अभी जो है मैंने इसको आपको डे लाइट में दिखाया ना, अब जो है मैं डार्क रूम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये अपना
20 वाट का एलईडी मैंने कर दिया है ऑफ। ओके, वो डोर अभी भी ओपन है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मूवी प्ले करके दिखा देता हूँ। क्वालिटी देखिए, अभी 20 वाट का बल्ब जो है मैंने ऑफ कर दिया है, सुपर क्लियरिटी है बिल्कुल। यहाँ देखिए क्वालिटी, और ये जो है आपका प्रोजेक्टर रखा हुआ है यहाँ। अब मैं फुल डार्क रूम भी कर देता हूँ, सीरीज भी पूरा चेक करवा दिया है और प्रोजेक्टर ये रखा हुआ है। प्रोजेक्टर की ही रोशनी से देखिए इतनी उजाला है यहाँ पे। वॉइस मैंने म्यूट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और क्लियरिटी चेक करवा देते हैं मूवी की। TSLT 20A+ मॉडल है ये। वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड करूँगा। ओके सर, तो यहाँ मैंने सब चेक करवा दिया है आपको, और ये USB लगा के, और बाकी मैं प्रोजेक्टर भेजता हूँ। ट्रैकिंग आईडी हमको आपको 5-6 बजे करीब भेज दूंगा मैं। ओके, बाकी अभी पैकिंग चल रहा है, फिर भेजता हूँ मैं। तो मॉडल परचेज करने के लिए धन्यवाद सर जी, थैंक यू।